alaikum. Main hoon Altaf. Main hoon Ali Safina, and we welcome you all to the show, which has taken the entire nation by storm. This is Pepsi Battle of the Band Season 4. Before the battle, let's welcome our judges. First and foremost, for Vodka, Misha Shafi, and our favorite, Strang. आज के शो के थीम के मुताबिक हर बैंड को मौका दिया जाएगा अपना फेवरेट गाना इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का. तो हम अपने जजेस से पूछना चाहते हैं कि अगर उनको मौका दिया जाए इस प्लेटफॉर्म पे अपना पसंदीदा गाना परफॉर्म करने का, तो वो कौन सा होगा? जी बिलाल. मुझे याद है हमारा बैंड तो नहीं था उस वक्त, हम बहुत छोटे थे जब नाजिया जुहेब की एल्बम बूम बूम रिलीज हुई थी, और उसका गाना था स्टार जुहेब हसन का. तो वो म्यूज़िक थी जो कि एक नए फॉर्म में देसी म्यूज़िक पहली दफ़ा सुनने को मिली थी. तो मेरे ख्याल से स्टार एक गाना है जो एटलीस्ट मैं चाहूँ कि हम परफॉर्म करें. वेरी नॉस्टैल्जिक. जी मिशा, व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? I would really love to sing Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Saab's Akhiyan Aur Dekh Diya. Whoa, that's such a hard song to sing though. A lot of pressure, Ella? I don't think so. Nahin? No. Okay, yeah, I'm sure. Okay, it's got on. Other kinds of pressure to of live course. Up to, yes. Yeah, of course, definitely, of course. Gee, Faisal. वैसे तो खैर बहुत सारे गाने हैं, बट एक वाइटल साइंस का गाना था दो पल का जीवन. हमारा बैंड उस वक्त बन चुका था और म्यूजिक 89 में उन्होंने उसको पहली बार परफॉर्म किया था. वो एक इंस्टेंट एक कनेक्शन था, लग रहा था कि स्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए. सो या दैट वुड बी फॉर मी. व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फवाद खान. वाइटल साइंस, चेहरा. Thank you very much, Fawad Khan. Chehra Mera Tha was my favorite song as well. Is saal select hue 12 bands after the auditions, and unme hua ek zabardast battle, jiska natija ye nikla ke now we are left with top 8 bands. Aur wo top 8 bands hain Aaj, E Sharp, Black R, Irish, Dion, Udaan, Marjaan and Starzone. Ye hai is season ke top 8 brilliant bands. और हमारे YouTube चैनल को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इनकी पॉपुलैरिटी हो रही है मल्टीप्लाई. ये तो थी सारी मीठी मीठी सी बातें. अब करते हैं बात दिल दहला देने वाले सच की. और सच ये है कि इन टॉप 8 बैंड्स में से आगे बढ़ेंगे सिर्फ Top 4 bands. यानी कि इस एपिसोड के आखिर में होंगी डायरेक्ट eliminations. कोई डेंजर जोन नहीं होगा. आपका फेवरेट बैंड टॉप 4 में पहुंचा या नहीं ये आप जान सकेंगे इस एपिसोड के एंड में. The stage is set, the bands are ready, and we are ready to rock and roll. पहली बैटल है Starzone versus Aaj, और जो पहला बैंड इस स्टेज पर आने वाला है हमारे जजेस पहले से ही उनके फैन जोन में गिरफ्तार हैं. प्लीज गिव इट अप फॉर स्टारज़ोन. यू आर द स्टारज़ोन. कंपटीशन इतना स्ट्रांग है हर बैंड में. बहुत स्किल्ड म्यूजिशियंस हैं, मेहनत कर रहे हैं. कोशिश ये होगी कि म्यूजिकली ऑन स्पॉट हों और एक अच्छी परफॉर्मेंस दें. मेनली हमारा मकसद ये है कि गाने को जस्टिस देना है. दैट्स इट. सो आज की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें जो फेस ऑफ होने वाले हैं वो आज के साथ होने वाले हैं. उनके वोकलिस्ट भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे वोकलिस्ट भी बहुत स्ट्रांग है. आज को फिर आज देखते हैं. आज जो हम लोग कवर करेंगे अजनबी बाय द वायरल साइंस. इट्स अ वेरी क्लासिक टच. फुल कोशिश है हमारी कि हम इसके साथ अच्छा काम करें एंड होपफुली जजेस और ऑडियंस को अच्छा लगे. आज अब हम आ रहे हैं आपसे परफॉर्मेंस ऑफ द डे का गिटार लेने, और अब देखते हैं कि होता क्या है. विल ट्राई आवर बेस्ट. बच के रहें. अजनबी, अजनबी,
for Starzone. Whoa, what a mesmerizing performance. Hina, मुझे लग रहा है ये stars तो हैं ही, लेकिन ये अपने zone में भी पहुंच गए हैं. लेकिन हमारे जजेस उस जोन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे इस परफॉर्मेंस के बाद ये पूछना पड़ेगा. जी बिलाल, क्या हाल है स्टार जोन? बिल्कुल ठीक. ओके, कोई चीज बहुत गलत नहीं थी मेरे हिसाब से. ये दाल चावल था, आप समझ रहे हैं? चटनी नहीं थी इसके ऊपर, कोई अचार नहीं था. आई जस्ट फेल्ट कि ये थोड़ी हाफ हार्टेड थी अप्रोच. आई वॉज लुकिंग फॉर मोमेंट्स, कि कोई मोमेंट मुझे हिट करे कि हाँ ये इन्होंने ऐसी चीज़ की है जो कि इस गाने को, इस कवर को एक लेवल ऊपर लेके जाएगी. वो मोमेंट मुझे नहीं मिला. ये जो गूज़बम्स होते हैं ये मेरा रेडार होता है कि हाँ कुछ हुआ है. मैं इंतज़ार करता रहा, कुछ नहीं हुआ. या तो सॉन्ग चॉइस है या आपने उतना पुश नहीं किया अपने आप को, अपने बैंड को, जहाँ पे ये गाना कोई एक और लेवल पे जाता. बस आगे देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं. थैंक यू वेरी मच. फैसल, बहुत सारी चीज़ों पे मैं अग्री करता हूँ बिलाल से. आई थिंक ये ऑडिशन में अगर ये गाना परफॉर्म करती तो इट वुड हैव बीन अ गुड चॉइस, बिकॉज देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दिस चॉइस. बट फॉर अ कॉम्पिटिशन ये गाना आपको बहुत लिमिटेड कर देता है, बिकॉज दिस इज़ अ फेस ऑफ राउंड. एक और बैंड परफॉर्म करेगा, जजेस हैव टू सी और कंपेयर करना है. तो ये गाने में आपके पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स या एलिमेंट्स नहीं है कि आप कुछ शोकेस कर सकें, समथिंग दैट कैन गेट यू दैट विक्ट्री. दिस इज़ व्हाट आई फील. और बिलाल, मैं अगर तुम्हारे दाल चावल वाली बात पे वो करूँ तो आई कैन ईट दाल चावल एवरी डे, बट आई कैन नॉट लिसन टू दिस सॉन्ग एवरी डे. सो आई थॉट दिस रेंडिशन वॉज a basic and as he said half hearted. Kuch extra hona chahiye tha. This is a very very important time and day where you're competing with a band, so it was okay for me. Bahut shukriya Faisal. Arman puchenge Misha se, wo kya kehna chahengi? I am a fan of your sound and I like that you guys have clarity and consistency. You've chosen a direction, a sound direction, a music direction, and you are steadfast on that. And I want to disagree with Bilal because I felt like you did play around in two or three places. Mujhe, I heard you touching some notes which were rather lovely and they resonated very well. The song was short, it was incomplete, it needed an outro. और इस तरह के गाने में और आप लोगों की साउंड में आपकी जो ग्रूव है ना, you need to explore some groovy bass lines. Your bassist needs to listen to some masters of groove. Ye isme groove bahut zaruri hai. Yeah, that's it. Fawad, what did you think? Starzone, mujhe aapka gana acha laga. Agar kuch thodi bahut tanqeed hai uske liye sirf ye hai Anum ke aap start mein gaane ke thoda sa halka sa start kar sakte, aap bahut bhari aa gaye in this start. Because it's If you remember the original as well, the sweetness of it is, if you keep it in a slightly, in a more subtle tone, वो बहुत गर्भी वो हो गया था, जरा गर्भी हो गया था, तो उसको थोड़ा सा हल्का अगर रख लेते तो that would have been a nice start. बाकी I like your arrangement, I like the simplicity of your band, and it's nice. It might not be the best choice for this round, but मुझे गाना अच्छा लगा. That's all. थैंक यू वेरी मच जजेस. एंड कभी कभी ऐसा होता है जैसा हुआ स्टार जोन के साथ, लेकिन इनको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि रिजल्ट अभी बाकी है. और आज आ रहे हैं अपनी दमदार परफॉर्मेंस के साथ इस ब्रेक के बाद की वॉचिंग पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीजन 4. वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीजन 4. So, ब्रेक पर जाने से पहले स्टारजोन ने किया एक जबरदस्त लेवल सेट, लेकिन अब आने वाला है एक ऐसा बैंड जिसको मिल रही है स्टैंडिंग ओवेशंस नॉनस्टॉप फ्रॉम आवर जजेस, और होपफुली आज उनकी हैट्रिक हो जाएगी. सो ऑल माय हॉट स्टेपर्स मेक सम नॉइज फॉर ऑड. वी आर ऑड. हम
हमने परफॉर्म किया. परफॉर्म करने के बाद जब हमें ये पता लगा कि परफॉर्मर ऑफ द डे का अवार्ड भी मिल रहा है, तीन बैंड सामने लाए स्टेज पर और उनके बीच में डिसीजन होना था कि कौन सा बैंड परफॉर्मर ऑफ द डे होगा. फिर मीशा शफी आई और फिर समहाउ वर्ल्ड चेंज हो गया हमारा, जब पता लगा कि यार औज है परफॉर्मर ऑफ द डे. अभी एक मिला है, हमें तीन और चाहिए. ये हमारे लिए अवार्ड है और ये प्राइसलेस है. हमारा जो वन ऑन वन है इस दफा वो है स्टार जोन के साथ. काफी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है हमारा स्टार जोन के साथ, क्योंकि स्टार जोन काफी अच्छा बैंड है. हम लोग जो एम कर आए हैं वो है जीतना, रिगार्डलेस ओपोनेंट कोई भी हो. हमारा एम यही सेट है कि हमें जीतना है. आज जो हम गाना परफॉर्म करने जा रहे हैं वो बेसिकली ट्रिब्यूट टू द लेजेंड सर आलमगीर. उनका एक गाना है कह देना. आवर फील इज यूजुअली वेरी डार्क सैड, सबके दिल टूटे हुए हैं यहाँ पे, बट दिस सॉन्ग वाज कंप्लीटली ऑपोजिट. जो हम सॉन्ग कवर करने वाले हैं इसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि हम अपना फ्लेवर डालें और गाने की रूट्स भी खराब ना हो. Judges, kaisi lagi ye performance? We're going to start with Misha. Okay, so I want to say that I feel like we just saw a rock star on stage. Whoa! Yeah. Wow! I'm a fan of your vocals, dude. Abdur Rehman, bahut hi ala. And I also want to say that I've been wondering what you guys are going to do with this song. और आप लोगों ने काफ़ी हद तक इसको उस तरह से रीवर्क और परफॉर्म किया है जिस तरह से मैं इसको देखना चाह रही थी. सो यू रियली पुट सम, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड आई डिग दिस वर्जन. वेरी हाई एनर्जी, ग्रेट फॉर अ कॉन्सर्ट. यू वर्क द स्टेज रियली वेल, आई लव्ड इट, ऑसम. और अब हम बढ़ेंगे फैसल की तरफ. आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या हाल है आप लोगों के? ओके, ग्रेट परफॉर्मेंस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने इतना बार हाई कर दिया है अपने लिए और हमारे लिए भी. मैं ये नहीं कहूँगा कि माइंड ब्लोइंग थी,
हाँ कोई और बैंड करता यही परफॉर्मेंस तो मैं कहता कि माइंड ब्लोइंग बट आप लोगों से अब इतना एक्सपेक्ट कि ये तो आप करेंगे ये एक्सपेक्टेड था कि यार ये तो हो गई इट वॉजन समथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो बिकॉज विथ एवरी स्टेज आप बंदा पटारी में से क्या क्या निकाले बट आप बहुत अच्छा बैंड हैं और ये आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बट ऐसा नहीं था कि उफ बट उफ थी फवाद खान क्या कहेंगे अस्सलामुअलैकुम बॉज यू आर अ ग्रेट बैंड बट इवन दो इज वेरी वेल प्लेड हिलाया नहीं इस दफा जिस तरह आपने बाकी परफॉर्मेंसेज में हिलाया स्किल पे कोई शक नहीं आप लोग बहुत अच्छा बजाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं बट आज की परफॉर्मेंस वाज लाइक गाना आई थिंक इट वाज जस्ट द सॉन्ग फॉर मी डिडंट वर्क फॉर मी थैंक यू सो मच फवाद अब हम बढ़ते हैं बिलाल की तरफ अब्दुल रहमान मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ ये कहूंगा तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं जो बैंड ने काम किया इस गाने में सलाम है ये गाना कोई 2.5 करोड़ लोग शायद कवर कर चुके होंगे लेकिन इस ग्रूव के साथ शुक्र जैं 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 वो चीज़ नहीं थी और इसका बहुत शुक्रिया जो गिटार रिफ थी मेरे ख्याल से वो विनर थी इस गाने की वोकल्स तो ठीक है तुम गाते ही अच्छा हो इस गाने को कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप कुछ बहुत ओवर करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं ये तो क्लासिक है ख़राब कर दिया आप अंडर करते हैं तो बोरिंग हो जाता है ये गाना बहुत डेंजरस गाना था और आप लोगों ने लाइक यू गाइज नेल्ड इट और अमेजिंग थैंक यू सो मच जजेस और अब मेरे साथ साथ आप सब इस इंतजार में होंगे कि स्टार जोन और ऑश के दरमियान जो बैटल हुई है इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है That's right, Hina. क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद ये फैसला होगा कौन सा बैंड जाएगा वापस अपने घर और कौन सा बैंड रहेगा इसी कॉम्पिटिशन में लेकिन ये राज फाश होगा इस ब्रेक के बाद So keep watching Pepsi Battle of the Band Season 4. हमारी अगली बैटल है बिटवीन ई शार्प एंड मरजान और अब जो बैंड आ रहा है वो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड और उन्हें इस सीजन का पहला परफॉर्मर ऑफ द डे का टाइटल भी मिला है हमारे जजेस कहते हैं कि ऐसे होते हैं सुपरस्टार्स सो मेक सम नॉइज फॉर द रॉकिंग ई शार्प वी आर ई शार्प चारों जजेस की तरफ से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला हमारी म्यूजिशियनशिप को सराहा गया जब हमें बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का जो है वो गिफ्ट मिला गिटार है साइंड बाय ऑल द जजेस तो आई थिंक हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो रॉकेट हो गया आज जो गाना हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है नींद आती नहीं और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बड़े हुए वो गाना सुन के और हम सबका फेवरेट है गाना बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ है ऑन पॉइंट बज गया आई एम श्योर कनेक्ट कर जाएगा बड़ा मजा आने वाला है आज जो हमारा बैटल हो रहा है वो मरजान से है मरजान के लिए ये मैसेज है मेरी तरफ से बल्कि पूरे ई शार्प बैंड की तरफ से क्योंकि हम करने आ रहे हैं नींद आती नहीं और यकीनन आपकी नींदें उड़ने वाली हैं बहुत जल्दी ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से मैसेज था मेरी तरफ से नहीं था अच्छा। बैंड है यार बी वन यूनिट यार आपस में लड़ रहे नींद आती नहीं सारी सारी रात कोई तुझसे कहे मेरे दिल की बात एक तू जो नहीं आज मेरे साथ मुझको वीरान लगे सारी कायनात तेरे और मेरे रास्ते हो कभी ना जुदा
जैसे तनहा हो पंछी चमन में ये लेकिन ब्रो क्या हुआ नींद क्यों नहीं आती इतना अच्छा तो गाते हो सब सेट है All right, so after this mesmerizing performance by E sharp, let us find out from Bilal first of all, क्योंकि standing ovation आपने दिए इनको. What did you think about their performance today? E sharp, मैं जिस चीज से गुजरा हूं अभी मैं बयान नहीं कर सकता. ये मैं समझता हूं पिछले चार सीजन्स की बेस्ट परफॉर्मेंस थी. Whoa, that's big. Make some noise. इससे आगे क्या करोगे मुझे नहीं समझ आ रहा. तुम लोग इस गाने में तुम लोगों ने वो स्पेसेस ढूंढी हैं, वो चीजें ढूंढी हैं जो शायद कोई भी ना सोच सके. और जो नोट सिलेक्शन थी अनवार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या काम किया है यार. आउटस्टैंडिंग. ई शार्प क्या नोट होता है मुझे नहीं पता. ई शार्प क्या एफ है, होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आज होता है. फैंटास्टिक, फैबुलस, फ्लॉलेस. थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू वेरी मच. वी कैन मूव ऑन टू फैसल. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस रेंडिशन ऑफ जुनून सॉन्ग? यार एपिक. और एक जर्नी थी आप हमें लेके जा रहे थे, जिस तरह बिलाल ने भी कहा, बहुत सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ. जो कॉर्डल प्रोग्रेशन था, लाइक स्पेशली जब वो ना जुदा आता है और उस पर जो कॉर्ड आती है, लाइक एंड इट वॉज अ जर्नी. दिल वाकई चाह रहा था कि गाना ख़त्म ना हो, बिकॉज आपने किसी पॉइंट पे यानी हमेशा सरप्राइज और खूबसूरत तरीन सरप्राइज आपने बिल्कुल ओवरडू नहीं किया. हर चीज़ इतनी कैलकुलेटेड. एंड यू नो वॉट, दिस वॉज द बेस्ट थिंग यू गाइज डिड, बिकॉज वो जो ऑडिशन और पहले राउंड में जो गाने थे उससे बिल्कुल ही हटके यहाँ पे आने से पहले, जाहिर सी बात है हमारी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम जज कर रहे हैं. मैं सोच रहा था कि यार ये आज क्या करेंगे, बिकॉज वो दोनों फिर भी सिमिलर स्पेस थी. दीज गाइज नीड टू गेट आउट ऑफ दैट. आप लोगों ने तो उड़ा दिया और बहुत बहुत ज़बरदस्त. एंड जस्ट लव दिस सॉन्ग. एंड ये गाना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, काश ये 21-22 मिनट का होता.
तो भी मजा आता बहुत amazing. Fawad, what did you think? Ishab, I'll just sum it up with what Bilal and Faisal said. It was an amazing performance. Everything was great about it. Yeah, जिस तरह आपने गाने को pace किया है, जो जो आपने arrangement किया है, your influences show, and they show in a way कि ऐसे लगता है आपने उनको reinvent किया है. I think you've outdone yourself. Great job, yaar. Great job. Thank you very much. Last but not least, Misha Shafi. Yeah, you guys did it. You did it. You upped your game since last time. And last time you were the best performers. Ishaab, your time has come. And I mean that in the best possible way. I loved the parts and I loved this version. I'm really digging what just happened on stage. Congratulations. Thank you very much, all four of our judges. Lekin is battle ka verdict aayega is episode ke ikhtitam par. Ji hina. Thank you so much, Safina. Lekin ab E sharp ka jawab dene aa raha hai ek aisa band jo ki last time the danger zone mein lekin unke surte itne sacche ki hamare judges unhe safe kiye bagair nahi reh sake. Please give it up for Marjaan. Hi, this is Marjaan. Pepsi Battle of the Band mein kabhi aisa tha ki expectations pe pura utar jate the aur kabhi aisa tha ki disappoint bhi ho jate apni performance ki wajah se. Lekin himmat nahi aa rahe, abhi tak chal rahe hai hamara jo track hai, jo hamara music hai, wo fight kar raha hai baaki bands ke sath. हम चाहते हैं जो सबसे तगड़ा बैंड है इस कंपटीशन का उससे हमारा मुकाबला हो. जंगल में जब दो शेर लड़ते हैं तभी मजा आता है जंगल का. हमें पता लगा कि दूसरी तरफ भी शेर है और उस शेर का नाम है ई शार्प और ये वो बैंड है जो ऑडिशन से डायरेक्ट टॉप 12 में आया था. डेंजर जोन में गए थे, डेंजर हमने सब देख लिया और ई शार्प के लिए अब डेंजर बन के आ रहे हैं. और वैसे भी ई का कोई शार्प नहीं होता और मरजान दिलों की जान है. हम ट्रिब्यूट देने चाह रहे हैं मैडम रेशमा जी को. उनका एक सॉन्ग है लंबी जुदाई, उसमें हमने ऐसा ज्यादा चेंजिंग नहीं की क्योंकि उसमें चेंज एक बहुत बुरी सी चीज लगेगी. एज अ फ्यूजन हमने बनाया हुआ है इसको, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न टच है. हमारा म्यूजिक हम सबको बिलीव है एज अ बैंड कि इतना पोटेंशियल रखता है कि हम नेक्स्ट राउंड में भी जाएंगे और एक टक्कर का मुकाबला देंगे अपने ओपोनेंट को. एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे. उस पे ये सावन आया है, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई. चार दिन ताप प्यार वे रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. I think this was an excellent performance by Marjaan. Lekin hum chalenge apne judges ki taraf.
We're going to start with Fawad Khan. Marjaan, welcome back. Thank you so much, sir. ये कुछ तरह का कवर है, इसको जितनी मर्जी दफा परफॉर्म किया जाए, हर दफा इसका मजा और लुत्फ अलग-अलग ही होता है. I've always said, Wajid, you're a very talented vocalist, an effortless vocalist, and that shows in your work, and that shows in your expression. खास करके इस गाने में जो नोट होल्ड्स हैं, वो ऐसे-ऐसे नोट होल्ड्स हैं जिनके अंदर बहुत आसानी से बंदा शार्प फ्लैट हो सकता है. So I think you've done a remarkable job, and this time I would also like to give a special mention to the band. कि जिस तरह हम कहते थे कि जी बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जितना सपोर्ट करना चाहिए था उतना किया. इससे ज्यादा करते तो ऐसी तो ज्यादती होती. यस, मैं आपको ये जरूर कहूंगा, ईशा आप वॉज प्रॉबेबली मोर म्यूजिकली एडवेंचरस, बट आई थिंक यू होल्ड योर ओन. आई लाइक योर कवर. आई विश यू गाइज द वेरी बेस्ट. अब जो होता है वो आगे देखेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच फवाद. और अब हम पूछेंगे मीशा से कि वो क्या कहना चाहेंगी. मरजान, I don't know whether I'm possessive about this song or what. I just, you know, it happens with classics. Everybody has a certain sort of like expectation and how it resonates with them for so long. And aapne gaya bahut khoobsurti se and the band was good, the performance was good. The song lost its magic though. And whenever you do uski jo matlab gaane ki ek rooh hoti hai aur is gaane ki to badi intense feelings hain. It's a very moody song and it asks for a lot of expression. No, mujhe laga ki wo expression jo hai wo gaane mein se hat gaya. Thank you very much, Misha. One thing is for certain ki aap definitely is gaane ko leke kafi possessive hain. So we're going to move on to as the next judge, Faisal. What do you have to say about Marjaan's performance? मरजान, पहले तो वाजिद, ये आपने आज जो स्टेज प्रेजेंस थी आपकी, ये असली वाजिद है या वो असली वाजिद था जो खड़े रह के चुपचाप गा रहा होता था? बस वो बैंड साथ था, एक यूनिटी थी तो उससे आ गई साथ. बड़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आपने दी है और उसके लिए लाइक मजा आया. थैंक यू सो मच सर, मींस अ लॉट सर. थैंक यू सो मच. बहुत सारी चीज़ों में मैं मीशा से इत्तेफाक करूँगा. एक चीज़ तो ये कि आप को जैसे हम पहले कहते आए कि आप वोकल ओरिएंटेड बैंड ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ अगर आप चाहते तो आप एक गिटार पे ये पूरा गाना परफॉर्म कर सकते थे और शायद मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं. लेकिन आप लोगों ने ये स्टेप लिया, ये रिस्क लिया, बैंड को इन्वॉल्व किया, विच आई फील कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इसके लिए मैं एक्स्ट्रा तालियाँ बजाऊँगा क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये रिस्क लेना जो है ये बहुत बड़ी बात होती है. बहुत सारे लोग सेफ प्ले कर जाते हैं क्योंकि आपकी जो एक कंफर्ट लेवल है वो है जो कि आप पिछले दो राउंड्स में करते हैं. दैट्स योर कंफर्ट लेवल. आज आप अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर आए जिसके लिए मैं वाकई सल्यूट करता हूँ. आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो आई फील कि आपने हर चीज़ ट्राई की, एवरीथिंग वॉज ग्रेट. शायद उसका एंड रिजल्ट मुझे उस तरीके से नहीं छू पाया जो कि आप अगर नॉर्मल अरेंजमेंट में करते. लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि वो नहीं किया. रिजल्ट कभी कभार मैटर नहीं करते जितना वो मैटर करता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं. आज आप आगे जाएं या ना जाएं, लेकिन आपका ये स्टेप जो था ये मुझे एटलीस्ट ज़रूर इसने ये दिखाया कि आप कुछ करना चाहते हैं, रिजल्ट आप नहीं देख रहे. सो कूडोस फॉर दैट. थैंक यू सो मच फैसल. अब हम पूछेंगे बिलाल से, आपका क्या फीडबैक है? मरजान, आप लोग सोचेंगे ये जजेस क्या चीज़ हैं भाई. नहीं, जब मैं अपना गाना एक वोकलिस्ट की तरह, सोलो वोकलिस्ट की तरह गाता हूँ तो ये कहते हैं बैंड को लाओ. जब मैं बैंड के साथ मिलके गाता हूँ तो कहते हैं मज़ा नहीं आया. आज अगर तुम ये गाना जिस तरह फैसल कह रहे हैं खाली गिटार के साथ अपनी आवाज़ में, जो तुम्हारी आवाज़ एक मिठास के साथ तुम गाते, अगर वो 100% डिलीवर कर भी देते तो बैटल बहुत टफ थी ई शार्प के साथ, फिर भी आगे जाना मुश्किल होता. लेकिन आज अगर तुम नहीं जाते आगे तुम लोग, तो कहते ना तुम मैदान जंग में एक शह सवार की तरह गिरोगे. उस तरह नहीं गिरोगे कि कोशिश नहीं की. तुम लोगों ने जो आज कोशिश की है वो हम वही चाहते थे देखना. अगर आगे नहीं जाते तो ये मत कभी सोचना कि आज गलती की हमने. ये गलती नहीं है, ये सही डायरेक्शन है.
Thank you so much, judges. E-Sharp और मरजान की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी लेकिन याद रहे कि इनमें से कोई एक बैंड होगा जो आगे जाएगा जजेस का फाइनल फैसला क्या है जानिए थोड़ी सी देर के बाद फिलहाल इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक लेकिन रिमोट को हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहे हैं ब्लैक आवर अपनी एक पेट्रियोटिक परफॉर्मेंस के साथ कीप वॉचिंग पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीजन 4 हो चुकी हैं चार बैंड्स अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं कौन टॉप फोर में होगा और कौन नहीं इस रिजल्ट में भी है अभी थोड़ा सा और इंतजार हमारी थर्ड बैटल है बिटवीन ब्लैक आर एंड उड़ान और इनमें से पहले आएगा वो बैंड दैट लीव्स आवर जजेस इन कंप्लीट ऑ व्हेनेवर दे रॉक दिस फ्लोर सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेक सम नॉइज फॉर ब्लैक आर वी आर ब्लैक आवर हमारा था कि अपनी तरफ से जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो देंगे इस टाइम हमने परफॉर्मेंस स्टार्ट की और हाशिम ने और हम सारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाशिम के मुझे वर्ड्स अभी भी याद है उसने कहा यार ज्यादा से ज्यादा घर जाएंगे तो जस्ट गिव इट योर बेस्ट जाए भी तो लोग याद रखें सबसे ज्यादा कॉमेंट पसंद आया वो बिलाल भाई का था ये आपने तो उड़ा दिया ये बैंड कुछ भी कर सकता है तो ये बहुत बड़ा चैप्टर खोल दिया बहुत बड़ा कुछ भी कर सकते हैं हम लोग बिलाल भाई के कमेंट के बाद हमें डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट करने का पूरा दिल कर रहा है तो इसलिए जो अब हम गाना करने लगे हैं वो है तुम ही से ऐ मुजाहिदो बाय आलमगीर सर आलमगीर इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री हम उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं एक परफॉर्मेंस एलिमेंट लाए गाने में उड़ान को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उड़ के लाहौर से कराची आए हैं आप उड़ के वापस भी जाएंगे किसी दिन तो जल्दी चले जाएं तो बेहतर है वेल हमने हराना है उनको उड़ान तुम्हारा ब्लैक आवर स्टार्ट हो गया है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबात है तुम्हारी मशल वफा फिरोगे शश्चे हाथ है परफॉर्मेंस के बाद एक नारा तो बनता है पाकिस्तान अब हम चलेंगे हमारे जजेस के कमेंट्स की तरफ सबसे पहले पूछते हैं फैसल से आप क्या कहना चाहेंगे ब्लैक आर यार मुझे बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस मैंने ये गाना ऑनेस्टली इतना ज्यादा नहीं सुना कि वो उस तरह रचा हुआ हो
लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो आपने ये परफॉर्म किया गाना आई रियली लाइक द रेंडिशन जो एनर्जी आज आप थोड़े से स्टेज पे थोड़े से स्टिफ थे बट आपके बैंड मेंबर्स जो हैं वो मूव अराउंड कर रहे थे दे वर कॉम्पनसेटिंग दैट बट आपकी तरफ से थोड़ी सी अगर मूवमेंट ज़्यादा होती तो देखने में मज़ा आता बट मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ जो गाने का था उसने पूरी तरह ग्रिप में रखा हुआ था एंड द वे यू सैंग एंड म्यूजिक एवरीथिंग परफॉर्मेंस वाइज इट्स ग्रेट बट ये एक थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि इट ऑल डिपेंड्स कि अब कॉम्पिटिशन क्या परफॉर्म करता है फॉर मी दिस इज नॉट अ स्कोर ऑफ 350 इन अ वन डे इट्स समहाउ 260 इट ऑल डिपेंड्स हाउ दे प्ले देयर इनिंग्स बट फॉर मी यू गाइज डिड अ गुड जॉब वेरी नाइस थैंक यू सो मच फैसल अब हम बढ़ेंगे मीशा की तरफ यार मैं ये तुम लोगों की अटेम्प्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बिकॉज बड़ी एक अनयूजुअल अप्रोच थी और बड़ी फियरलेसली तुम लोगों ने उस वर्जन को बनाया और अपने बैंड की स्ट्रेंथ्स दिखाई यू ब्रीद्ड अ न्यू लाइफ इनटू द सॉन्ग व्हिच इज़ नॉट ईजी आपके मुझे लगा कि ये वोकल्स आई मीन लाइक आई डोंट नो व्हाई यू चोज इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आई डोंट थिंक यू वर साउंडिंग योर बेस्ट You need to really choose and pick your songs and write your songs so that you can be at your best. Other than that, well done. Good job. Yeah, enjoyed that. Thank you, Misha. Moving on to Bilal. Rakar, जब भी आप लोग स्टेज पे आते हैं, हमेशा लगता है कि एक नया बैंड आ गया। ऑडिशन के बाद जब आपकी अगली परफॉर्मेंस देखी, समझ नहीं आया कि वही बैंड है और आज मैं तारीफ कर रहा हूँ। By the way, परेशान नहीं हो। मैं तारीफ कर रहा हूँ। कि हर दफ़ा एक नई चीज़ देखने को मिलती है मीशा और फैसल ने तुम्हारे वोकल्स के बारे में तैयब बात की मुझे लगता है कि जिस तरह वोकल डिलीवरी थी वही चाहिए थी क्योंकि आपके जो अटायर है इस वक्त और जो गाना है और जिस तरह आप खड़े होके गा रहे थे लग रहा था जैसे कोई लीडर गा रहा है वो टोन वो अग्रेशन आपके पूरे स्टेज की जो प्रेजेंस थी उसमें नज़र आ रहा था ये गाना मेरे फेवरेट कौमी नगमों में से नहीं है लेकिन ये रेंडेशन मुझे बहुत पसंद आई थैंक यू सो मच बिलाल नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फवाद खान ब्लैक आवर ग्रेट यार बहुत मजा आया मुझे जिस तरह मेरे एक दोस्त जिनसे मैं बाहर बात कर रहा था उन्होंने कहा यार ये आज थोड़ा सा आयरन मेडन वाले मोड में आया था अगर मेरी एक शिकायत है वो सिर्फ ये है कि वो जो डन 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 वो ज्यादा होना चाहिए था गाने में वो सिर्फ एक पार्ट पे आता है But your splits on the stage, when you were disco dance kar rahe the, that was amazing. That was absolutely amazing. I commend that you were trying to do something different and you were successful in that and you were looking at that and you were enjoying it. That's what matters the most and that's where the most points are. So great job, guys. Great job. Thank you, judges, for those comments and all the best, Black Hour. And now over to you, Safina. Thank you very much, Hina. Our next band always excels in surprising our judges. Let's just hope ke aaj bhi wo apni performance se hamare judges ka dil jeet lenge. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Udaan! Yaar, Udaan! Toh ab hum aage hain top 8 mein. बैटल ब्लैक आवर के साथ है और ब्लैक आवर वाले बहुत अच्छे हैं हमारे दोस्त भी हैं हमारे गलती से दोस्त भी हैं जहाँ तक हमें पता है उनकी साउंड काफी आयरन मेडन इंस्पायर्ड है तो मतलब काफी ग्रंजी है हम लोगों की साउंड वैसी नहीं है हम लोग बहुत स्मूथ से हैं आई थिंक इन द एंड वही बात आती है कि फाइनल एग्जीक्यूशन गाने की किसकी बेहतर है वो नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेटल बजा रहा है या पॉप बजा रहा है I think the reason why we chose Best You Need for Our next song was because it really worked well for Bilal's vocals. It really fit our sound the way we wanted it to be. Hum Shahzad Mughal sahab ko ye tribute de rahe hain gana. It is a favorite song, one of my favorite songs. Bas Yu Hi bahut melodious hai. Unhone bahut acha gaya hai. Hopefully ye acha jaye. And Black R, the Black R song. चलते रहे
ये चंद खुशियां चुन लो चुन लो बस ये चंद खुशियां चुन लो चुन लो परफॉर्मेंस हमारे जजेस के दिल पे लगी या नहीं। मीशा, आप क्या कहना चाहेंगी? उड़ान, इट डिडंट रियली टेक फ्लाइट फॉर मी। वैसे सेफ सा था, सेफ एंड साउंड सा था। मैंने जब आपकी सॉन्ग चॉइस का सुना था कि आप कवर कौन सा गाना कर रहे हैं, आई वाज रियली होपिंग और इमेजिनिंग इट टू बी अ लिटिल मोर एटमॉस्फेरिक, बिकॉज इसकी मेलोडी बड़ी प्यारी सी है, सॉफ्ट सी है, और वो आपने रखी। But just like the 4x4 basic rock treatment and then doing it, it's not like it wasn't a very dynamic, so it didn't really leave an impression on me. Thanda sa gana tha, sorry. Bilal, aap kya kahenge? Main aur Misha ek hi jahaz mein jo ke uda nahi hai. Nahi maza aaya boss. Is gaane ke saath aap log bahut kuch kar sakte the aur zyada effort nahi ki aap logon ne. Agar kuch ढूंढते इस गाने के अंदर तो बहुत कुछ मिल सकता था आप लोगों को। मुझे मजा नहीं आया, मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। Moving on to Faisal. मेरा ये बहुत ही पसंदीदा गाना है और लाइक बहुत ज्यादा। यू परफॉर्म्ड, जो आपके बैंड की एक साउंड है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपने परफॉर्म किया, कुछ ज्यादा हो नहीं सका, एंड विच इज फाइन, मीन्स यू ट्राइड योर बेस्ट। और मेरे ख्याल से सॉन्ग सिलेक्शन भी सही थी, आपने जिस तरह परफॉर्म किया स्टार्ट फॉर, बट समहाउ वो होता है ना कि आप कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं निकलती कभी उस तरह, सो दैट्स फाइन, बट या इट वाज ऑलराइट। टफ लक ब्रो, टफ लक, कोई बात नहीं। अभी भी हमारे पास एक जज बाकी है, क्या पता फवाद का पॉइंट ऑफ व्यू बाकी तीन जजेस से अलग हो। फ्लाइट थोड़ी फुल लग रही है मुझे, कुछ बेहतर हो सकता था। गाना बहुत प्यारा है ये, और उसकी ट्रीटमेंट जो है, स्पेशली टॉम्स थोड़े ओवरवर्क थे, गिटार्स का सेक्शन और भरा जा सकता था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट यू प्लेड योर कार्ड्स, सो लेट्स वेट फॉर द जजमेंट नाउ। थैंक यू वेरी मच जजेस, एंड फिलहाल उड़ान ने भर ली अपनी उड़ान और वक्त हुआ है हमारी फोर्थ एंड फाइनल बैटल का, जो कि होगी बिटवीन नियॉन एंड आरिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बैटल होगी ब्रेक के बाद। यू आर वॉचिंग पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड। वेलकम बैक टू पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड। अब होने वाली है आखिरी बैटल शुरू, और उसके बाद होगा एलिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट। और हमारी आखिरी बैटल है नियॉन और आरिश के दरमियान, जिनमें से सबसे पहला बैंड जो आ रहा है वो है अपने बैंड के नाम की तरह बहुत ज्यादा यूनिक। जजेस हैं उनके म्यूजिक पे फिदा, प्लीज वेलकम द फैंटास्टिक आरिश।
Hi guys, we are Arish. इस बार जब आपसे मिल रहे हैं हम तो बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए क्योंकि हम टॉप 12 से टॉप 8 में आ चुके हैं. आज हमारा जो बैटल होने जा रहा है वो है नियॉन के साथ. अच्छा बैंड है, हमने उनको सुना हुआ है. उम्मीद कर रहे हैं कि उनको हम स्टेज पर एक अच्छा मुकाबला देंगे और अगले स्टेज तक जाएंगे. आज चूंकि कवर राउंड है और ट्रिब्यूट राउंड है तो हम लोग करें नादू आएगी बाय जुनेद जमशेद. काफ़ी बड़ा ऑनर है हमारे लिए और साथ साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हैं कि हम उस गाने के साथ नाइंसाफी ना कर लें. थोड़ी डिफरेंट साउंड इस दफ़ा आपको सुनने को मिलेगी उसमें. हम हैं आरिश, स्टेज पर करेंगे सुरों की बारिश और बारिश के बाद चली जाती है बिजली जिससे नियॉन लाइट्स हर तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी. आप क्या कहना चाहेंगे? आरिश, मुझे नजर आ रहा है आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं. ये रेंडिशन मजेदार थी. ये गाना जरा सा सीधा सीधा चलता जाता है और मैं यही सोच रहा था कि आप इसको कहां लेके जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जगहें ढूंढ ली अरेंजमेंट वाइज भी, वोकल वाइज भी. सेकेंड हाफ में आप ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए. ओवरऑल इम्पैक्टफुल था. Definitely. Well done. Thank you very much. That's one thumbs up for you. Moving on to Misha. Arish, congratulations. Wonderful energy, great performance, really great parts. The band was operating well together. Aapke vocals shuru mein softer, lower part mein mujhe laga jaise itne remarkable nahi the, thode lackluster the. And I was thinking of suggesting that you could maybe try half a step up and down and see where and how that impacts when you go higher. But then when you did take it higher, the song completely became a very successful experiment. I enjoyed that. After it picked up, I really enjoyed that. Thank you so much, Misha. Moving on to Faisal. Arish, main aapki journey se bahut khush hoon. Bahut hi interesting wo hai. Shuru mein jab gana start hua to main thoda sa tha confused, but later on
you completely nailed it. Aur you know, aapke gaanon mein kuch moments aise hote hain. Mujhe yaad hai ki audition mein jo aapki apni melody thi, usme wo bridge part tha jiske end mein aap wo koi ek word kehte hain aur that blew me away. And here also in sawalon mein jab wo part aata hai aur uske piche jo arrangement hai, wo foran aake usne kaha ki you know, this is it, this is it. So really happy to see how you have grown in this journey. I think jeetna haarna sab alag cheez hai, ye journey badi important hai, and you guys are actually utilizing that. Ye sabse badi jeet hai aapki abhi ke aap us cheez ko follow kar rahe hain, you're utilizing. All the best. Last but not least, Fawad Khan. Arish, aaj jo ek gaane ke andar jo mujhe cheeze feel hui, I didn't feel it as much as I felt your previous tracks. I would have expected much, much, much more of you. Ek to gaana bhi mujhe thoda feel hua ki incomplete zaake ruk gaya. So that shows ki because there are not so many parts in the song, you couldn't play much with it. I didn't feel this rendition. Again, you guys played really well. I wish you the very best. Ab dekhte hain iske aage kya hoga. Thank you very much, judges. We want to wish all the best to Arish. Is battle ka result aayega thodi der baad, lekin up next we have a band which is very unique and has a groove of their own. Ladies and gentlemen, please welcome Neon. Yale guys, we're Neon aur ab hum mashallah se top 8 mein aa gaye. Today, our battle is with Arish. So Arish is a good band. Judges have also appreciated him in his last performance. But musically, we are a little strong. And this time, we are going to change energy on stage. So it can happen to us in the next round. Today, what we are covering is Mera Mahi by Junoon. It's a high energy song, I would say. So I'm looking forward to it, and I hope you guys will also like it. We are locked and loaded with all of our equipment. Arish, be on. For Neon. To be honest, हम इनकी परफॉर्मेंस का तो इंतजार करते ही करते हैं, लेकिन नियॉन का जो स्टाइल गेम है वो आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस बढ़ जाता है. JBH, जो बात है एक्चुअली, एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देयर स्टाइल गेम बिकॉज
These guys carry it so well. We're going to move on towards our judges. And we're going to start with Mr. Bilal. वैसे तो बहुत बुरा था कहां से शुरू करूं पहली बात है ये गाना छूना नहीं चाहिए था दूसरी चीज ये कि ये बैंड अभी इतना स्किल्ड नहीं है कि ये गाना हैंडल कर सके इस लेवल की म्यूजिशियनशिप से इस स्टेज पे लगता नहीं है कि आप ये गाना ओरिजिनल की तरह बजा भी सकते हैं नहीं सॉरी All right, now moving on to Misha Shafi. वो क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपके इस वर्जन का ग्रूव एंजॉय किया. अगर इसको मैं आंखें बंद करके सुनूं तो शायद डिफरेंट हो जाए एक्सपीरियंस. Because the performance was lively and you are definitely a showman. So obviously that adds to the experience when you're sitting and seeing a live performance. However, it still felt in places, especially in the first half, like the song was falling apart. Kuch simta hua nahi baj raha tha, cohesive nahi tha, thoda titter bitter sa musically hua hua tha. Aapke vocals weak the. That's my feedback, guys. Yeah. Thank you very much, Misha. And now, Faisal. I thought your performance was okay. Some moments I enjoyed, but today it had to be blown away wala case ya bhuadar wala case because ye wo is waqt stage hai ki jahan pe aap normal cheez ya koi something extraordinary nahi karte to then it becomes difficult. I honestly think that you guys are very very talented. You mashallah sing really nice, lekin is waqt is stage pe मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता था वो मुझे उस तरह नहीं मिला बट ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फैसल और अब देखते हैं कि फवाद के कमेंट्स किस तरफ रुख लेते हैं नियॉन आई थिंक आई विल चाइम विद एवरीवनस ओपिनियन एंड आई विल कट इट शॉर्ट पहली वाली टाइटनेस है नहीं पहले एपिसोड वाली टुडे यू गाइस डिडंट साउंड लाइक अ बैंड बट अगेन कांट से फॉर नाउ कि अभी क्या होगा आगे लाइक विश यू गाइस द बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच जजेस आज की हमारी सारी बैटल्स खत्म हो चुकी हैं और अब वो वक्त करीब आ चुका है कि हम जानेंगे कि इस सीजन के टॉप फोर बैंड्स कौन से हैं लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद यू आर वॉचिंग पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीजन 4 Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching season 4 of the Pepsi Battle of the Bands. Ab hogi ek aur jung. Bands ki ummeed versus judges ke faisle. Aur sabse pehle apna result janne ke liye khade hain hamare saath Starzone and Anosh. Ji Fawad, kya kehna chahenge? Final faisla. Starzone, Anosh. This round is a very difficult round kyunki aaj jo yahan se band jayega wo ghar hi jayega there is no danger zone but I want to add that whoever loses out of this battle isn't a loser aap log itni dur aaye hain apna apne hunar dikhaya hai apna fun dikhaya hai and you've really entertained us and aap dono ke sath hamari hum sab ki duaen hain I wish you all the best and yahan se jis tarah main pehle bhi keh chuka hu sirf raaste aage aage nikalte hain and I hope you guys keep persisting in making good music so I'll just get down to the result Anosh congratulations Anosh on entering the top 4 bands of the season 4 Pepsi Battle of the Bands Starzone ne jitne acche tarike se is competition mein perform kiya I'm always going to be a fan of you guys Finally we are in the top 4 Unfortunately hum log eliminate ho chuke hain I can imagine ke wo kya feel kar rahe honge aisa nahi hai ki hum log music nahi karenge we're going to continue Starzone was a very strong band Anosh ne kafi अच्छा परफॉर्मेंस दिया वी वर्क फॉर इट वी वर्क हार्ड
And finally, we are in the top four, and we're very happy about it. This journey has been very good for us. We've learned a lot individually and as a band as well. All the best wishes to you guys. Thanks to Pepsi, Battle of the Bands, for giving us this opportunity. And you will be hearing more from us, so keep following. And best of luck to all the bands. बस अब पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जीतना है इंशाल्लाह। अब बारी है ई शार्प एंड मरजान के रिजल्ट्स की। देखना यह है कि इन दोनों बैंड्स की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद जजेस किस नतीजे पे पहुंचे हैं। चलते हैं जजेस की तरफ एंड वी आर गोना आस्क फैसल टू डू द ऑनर्स। ई शार्प, मरजान, व्हाट अमेजिंग जर्नी यू गाइस हैव हैड सिंस पास्ट 4 वीक्स। आपने अपनी म्यूजिक से पूरे पाकिस्तान को ही खुश किया है। एंड यू नो आई पर्सनली रियली एंजॉयड जिस तरह ये चारों हफ्ते गुजरे और जिस तरह आपका म्यूजिक ग्रो करता गया। अगेन वी आर एट अ पॉइंट, ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि एक बैंड हार गया, बिकॉज आज दोनों आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो वन विल बी अ विनर, आई वॉन्ट से कि कोई हार रहा है। जो बैंड आगे जा रहा है, अगले राउंड में जा रहा है, वो है E sharp. Congratulations, E sharp. Bahut bahut mubarak ho. A huge round of applause for E sharp. E sharp is the second band that has entered the top four of Pepsi Battle of the Bands season 4. Unfortunately, my friends from up north couldn't secure a place in the top 4. Lekin as Faisal said ki koi haar nahi raha. A huge round of applause for Marjaan. जी तो अभी हम रिजल्ट सुन के आ रहे हैं और आप हमारे चेहरों से पता लगा सकते होगे कि हम अभी सिलेक्ट हो चुके हैं घर जाने के लिए। जबरदस्त खबर ये है कि हम लोग टॉप 4 में। ई शार्प हमसे ऑन दिस डे ज़्यादा अच्छा था। इट वॉज देयर डे डेफिनेटली। जिनकी बैटल हमारे साथ थी मरजान की, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त प्ले किया। जजेस ने जो एंड में कॉमेंट्स दिए वो यही थे कि ईशाप और मरजान दोनों विनर्स ही हैं। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पूरे पाकिस्तान में बैंड्स का ट्रेडिशन दोबारा से जगा दिया है। लास्ट राउंड में परफॉर्मर ऑफ द डे मिला था, अच्छा हो जाएगा इस बार भी मिल जाए। डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बिलाल भाई के कमेंट्स काफी अच्छे पॉजिटिव थे हमारी परफॉर्मेंस को लेके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू पेप्सी, ऑल द जजेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हमारी थर्ड बैटल के रिजल्ट का वक्त आ चुका है। इस वक्त स्टेज पर मौजूद है ब्लैक आवर एंड उड़ान और हम जानेंगे फाइनल फैसला मीशा शफी से। ब्लैक आवर, उड़ान, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर स्पिरिट एंड योर एफर्ट्स एंड द परफॉर्मेंसेस दैट यू केम एंड प्रेजेंटेड टू अस। वी थरली एंजॉयड दम एंड आई होप के जो भी फीडबैक है और जो भी उसका आउटकम है उसको लेके आप लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं कंपटीशन में, या आज आपका आखिरी दिन हो, आई होप कि आप उस फीडबैक को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हुए एज फ्यूल यूज़ करें। फॉर नाउ वन ऑफ यू हैज़ टू गो एंड द बैंड दैट इज गोइंग फॉरवर्ड Black Hour. Congratulations, Black Hour, on securing the third spot in the top 4. And with this, I'd also like to congratulate Uran for being a part of Pepsi Battle of the Bands. I'm sure this is going to be a tough moment for them. Lekin aane wale waqton mein ye Pakistan ke sabse bade stars honge. Congratulations, Black Hour. Yes. We're selected in the top 4. Unfortunately, have not made it past the top 8. Hame nervousness, being the good guys that we are, phir bhi thi. Kyunki Udaan ne bhi kafi tight play kiya tha.
कोई आसान काम नहीं था हमें पता चल चुका हुआ है कि हमारी साउंड क्या है उसको लेके हम आगे चलेंगे वी काइंड ऑफ हैड द फीलिंग के विल गेट सिलेक्टेड क्योंकि जजेस के कमेंट्स काफी पॉजिटिव थे ब्लैक ओवर से अगर कंपेयर किया जाए तो ब्लैक ओवर बहुत अच्छे उनका साउंड बहुत अच्छा है उड़ान के लिए हमारा ये मैसेज है कि दे आर अ वेरी टाइट बैंड दे शुड नॉट स्टॉप मेकिंग म्यूजिक होपफुली आगे बहुत अच्छा करेंगे इन द एंड वी गॉट सिलेक्टेड वी आर हैप्पी टू बी द टॉप 4 इन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड थैंक यू पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स हमारे साथ इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं नियॉन एंड आरिश और अब हम जानेंगे अपनी फोर्थ एंड लास्ट बैटल का रिजल्ट जी बिलाल मजेदार बैटल थी और उतनी मजेदार आप लोगों की जर्नी भी थी आरिश नियॉन किसको लग रहा है वो घर जा रहे हैं हाथ उठाएं दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं नियॉन हमेशा से क्राउड प्लीजर्स रहे हैं जब आप लोग आते हैं स्टेज पे एक शोर मच जाता है और लोग खुश होते हैं आरिश की जर्नी वो थी जो कि हम चाहते थे किसी बैंड के लिए हो कि हर लेवल पे हमें काम पहले से बेहतर नज़र आया और जो हमने समझाया वो आपने सीखा भी ये बैटल भी दोनों एज पे हैं कुछ भी हो सकता है तो इस बैटल का रिजल्ट है आरिश आप घर जा रहे हैं तैयार होके वापस आने के लिए अगले राउंड में ये थी हमारी फोर्थ एंड लास्ट बैटल का रिजल्ट आगे बढ़ने से पहले आई'd लाइक टू से थैंक यू वंस अगेन टू नियॉन फॉर परफॉर्मिंग लाइक टोटल रॉक स्टार्स इन दिस बैटल प्रोबेबली फेसिंग यू गाइस फॉर द लास्ट टाइम ऑन द शो हमारा जोश बता सकते हैं आप लोगों को कि हम टॉप फोर में आ चुके हैं बिल्कुल डिजर्व करते थे दे वर वेरी गुड बैंड हमारे साथ कंपटीशन में नियॉन था जो कि बहुत ही टफ बैंड था और उन्होंने स्टेज पे हमें टफ टाइम दिया बस हम जजेस के डिसीजन से तो सहमत है बिकॉज़ दे आर सीनियर्स इन द इंडस्ट्री आरिश की जर्नी जो है वो भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आरिश की जर्नी जारी रहेगी टेक दिस एज अ मोटिवेशन और एज अ म्यूजिशियन हम लोग अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे लेट्स सी एज अ बैंड हमने काफी ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में और हमारी असली जीत यही है वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर नियॉन इज हियर टू स्टे डोंट फॉरगेट द नेम वी आर नियॉन और अब हम ये जानेंगे कि हमारे टॉप फोर बैंड्स में से कौन बनेगा आज परफॉर्मर ऑफ द डे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स सीजन 4 Welcome back to your favorite show, Pepsi, Battle of the Bands, Season 4. Right now we have the top four bands of Pepsi, Battle of the Bands. Make some noise for E-Sharp, Aj, Blackheart, and Arish. And now we would like to request our judges to declare the performer of the day. इससे पहले कि मैं स्टेज पे आऊँ, आज हमारा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. जो इस गिटार के साथ साथ आएगा वो ये है कि जिसको भी ये गिटार मिलेगा जो भी बैंड ये गिटार जीतेगा दे विल बी एबल टू चूज देयर नेक्स्ट अपोनेंट सो जस्ट बेयर इन माइंड दैट यू हैव टू मेक अप योर माइंड राइट नाउ गिव इट अप फॉर फवाद खान एंड एज ऑलवेज इट्स अ साइंड गिटार बाय ऑल ऑफ आवर जजेस Once again. So this is the second time E-Sharp has become the performer of the day. So E-Sharp ke paas abhi a choice hai to decide ke unka next round mein opponent kaun sa band hoga. Very important decision to make. I think is decision se ईशार्प को एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है शायद ये एडवांटेज उन पे भारी पड़ जाए लेकिन है तो खैर एक एडवांटेज सोच लिया है सो हु इज गोना बी योर ओपोनेंट बॉयज रेडियो कौन से बॉयज
सबको देख रहा हूँ अभी. It's very difficult. Yeah, I'm sure it is. All of you are really good. So, लेकिन खैर. ऐसे मौके पे टॉस हारना अच्छा होता है. ठीक है, पर हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करेंगे बैटल. और वो है, क्या ख्याल है आरिश? आरिश. Right, so this means E-Sharp versus Arish and Black R versus Arch in the upcoming episode. आज की एपिसोड होती है यहाँ खत्म. लेकिन अगर आपने आज की कोई भी परफॉर्मेंस मिस कर दी है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. टॉप फोर बैंड्स हैं अब सिर्फ 3 हफ्ते दूर अपनी मंजिल से. और अगले हफ्ते होगी उनके दरमियान एक धुआंधार बैटल, जिसके बाद हमें मिलेंगे हमारे टॉप 2 फाइनलिस्ट. सुर से सुर टकराएंगे और गूंजेगा उनकी परफॉर्मेंस का शोर. ओनली इन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स सीजन 4.